हे फूड लवर्स, मैं रिचा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ चीजी वेज पिज्जा की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाने के लिए ना आपको अवन की ज़रूरत है ना ही किसी पिज्जा बेस की। और ये चीजी पिज्जा इतनी जल्दी बनकर रेडी हो जाता है कि जब भी आपका मन करे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इस वेज चीजी पिज्जा की रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। अब इस बोल में मैं एक मीडियम साइज का अनियन फाइनली चॉप करके ऐड कर दूंगी। उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज के टोमेटो को भी फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। इसी के साथ पनीर को भी एकदम छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड कर दूंगी। आप इसमें अपनी पसंद की और भी वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दूंगी। आप इसमें पिज्जा सीजनिंग या फिर मिक्स हर्ब भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें सारी चीज़ों को एकदम जेंटली मिक्स कर लेना है। पिज्जा के लिए मिक्सचर रेडी हो गया है तो हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमें एक प्लेट में चार ब्रेड के पीसेस ले लेनी है। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का यूज किया है, आप चाहें तो रेगुलर सैंडविच ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। तो चारों ब्रेड को हमें इस तरह से एक प्लेट में रख लेना है। अब मैं एक गोल प्लेट ले लूंगी और प्लेट को ब्रेड के ऊपर इस तरह से रख दूंगी। ब्रेड के साइज के अकॉर्डिंग ही आप प्लेट का यूज करें। अब प्लेट के बाहर ब्रेड का जितना भी पार्ट है उसे हम एक नाइफ से कट कर लेंगे। बेसिकली हमें इन ब्रेड्स को राउंड शेप में कट करना है। एक्स्ट्रा ब्रेड को हम बाहर निकाल लेंगे। इस ब्रेड को आप ब्रेड क्रम्स बनाने में या फिर ब्रेड उपमा बनाने में यूज कर सकते हैं। अब मैं इस प्लेट को हटा दूंगी। ये हमारा पिज्जा के लिए बेस रेडी हो गया है। तो इस बेस पे सबसे पहले मैं पिज्जा टॉपिंग लगा दूंगी। अगर आपके पास पिज्जा टॉपिंग नहीं है तो आप इसमें टमाटो केचप भी लगा सकते हैं, उससे भी पिज्जा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मैंने जो मिक्सचर रेडी किया था उसको भी बेस के ऊपर ऐड कर दूंगी। अब लास्ट में इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ चीज ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे चीज क्यूब का यूज किया है, आप चाहें तो मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं। पिज्जा में चीज का यूज थोड़ा सा ज्यादा करें, इससे पिज्जा का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। अब हम पिज्जा को बेक करने की तैयारी भी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक काफी हैवी बॉटम वाला पैन ले लिया है। पिज्जा बेक करने के लिए आपको हैवी बॉटम वाले बर्तन का ही यूज करना है, नहीं तो आपका पिज्जा नीचे से जल जाएगा। अब मैं इस पैन को कवर करके एकदम लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए प्रीहीट कर लूंगी। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसका कवर को हटा दूंगी और इस नॉन स्टिक पैन में हल्का सा घी अप्लाई कर दूंगी। इसके बाद हम पिज्जा को केयरफुली तवे पे रख देंगे। पिज्जा को उठाने के लिए आप इस तरह के एकदम फ्लैट स्पैचुला को यूज करें, इससे आप बहुत ही आसानी से पिज्जा को तवे पे रख पाएंगे। अब मैं पिज्जा को कवर कर दूंगी और इसे एकदम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए बेक करूंगी। 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए एक चीज अच्छे से मेल्ट हो चुका है और पिज्जा भी एकदम अच्छे से बेक हो गया है। तो चलिए अब इस पिज्जा को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। लास्ट में हम इस पिज्जा के ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। सो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म वेज चीजी पिज्जा बनके रेडी हो गया है। इस पिज्जा को देखकर कोई भी नहीं बता सकता है कि आपने इसे बिना पिज्जा बेस के और बिना अवन के बनाया है। और आप अगर इसे एक बार खाएंगे तो आपको बार बार इसे खाने का मन करेगा। और आप देख सकते हैं कि इसका बेक भी प्रॉपरली सिका हुआ है और एकदम क्रिस्पी है। तो अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इस तरह से पिज्जा को बनाकर उन्हें फटाफट सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वेज चीजी पिज्जा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।